सबसे पहले बात करेंगे हड़ताल की। उत्तराखंड बना है हड़ताल प्रदेश। जी हाँ, नर्सों के अवकाश पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। राजधानी समेत पूरे सूबे में मरीज बेहाल हैं। ऑपरेशन, डायलिसिस और इंडोर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सरकार के वैकल्पिक इंतजाम भी नाकाम हुए हैं। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर सामूहिक छुट्टी पर है नर्स। ग्रेड पे 6600 से बढ़ाकर 7600 करने की मांग। सोमवार से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं नर्सेज। मांगे ना पूरी होने पर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। 10 सितंबर से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दी है हड़ताल पर जाने की धमकी। वेतन विसंगति को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी है। सूबे में पहले भी हो चुकी है कई हड़ताल। पटवारियों की हड़ताल से बेहाल हो चुका है प्रदेश। फिर समीक्षा अधिकारी और मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने हड़ताल की थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुई थी हड़ताल। रमसा कर्मियों ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था। कई दिनों तक टंकी पर जमे रहे थे रमसा कर्मी और अब नर्सेज ने ग्रेड पे की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक विरोध प्रदर्शन किया गया। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया इन नर्सेज ने और उसके बाद अब 3 दिन की हड़ताल पर है कल से नर्सेज। इसके अलावा साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर ये हड़ताल पर चली जाएंगी। तो उत्तराखंड हड़ताल प्रदेश बन गया है। एक बार फिर से उत्तराखंड में हड़ताल देखी गई है। नर्सों के अवकाश पर जाने से व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। राजधानी समेत पूरे सूबे में मरीज बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन, डायलिसिस और इंडोर सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। सरकार के वैकल्पिक इंतजाम जो किए गए थे वो भी नाकाफी और नाकाम नजर आ रहे हैं। ग्रेड पे को लेकर सामूहिक छुट्टी पर है नर्सेज। इसके अलावा हड़ताल की भी चेतावनी नर्सेज की तरफ से दी गई है। ग्रेड पे 6600 से बढ़ाकर 7600 करने की मांग की जा रही है। सोमवार से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं नर्सेज। तो मांगे ना पूरी होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी नर्सेज की तरफ से दी गई है। आपको बता दें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने यह धमकी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 10 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी गई है। सोमवार से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर है नर्सेज। अपनी ग्रेड पे की मांग को लेकर अवकाश पर डटी हुई है नर्सेज। इससे पहले 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया था और अब हड़ताल पर है। इसके अलावा 10 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। फिलहाल अवकाश पर चले नर्सेज, लेकिन इससे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चौपट होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर में चल रही नर्सों की हड़ताल से पूरा सूबा हलकान है। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। दून से लेकर हल्द्वानी और हरिद्वार से लेकर रुद्रपुर, हर जगह मरीज बेहाल हैं। नर्सों की हड़ताल के चलते डॉक्टर मरीजों को एडमिट करने से कतरा रहे हैं, तो कहीं महिलाओं को डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल छोड़कर दूर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ रहा है। जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं भी उन्हें भी नर्सों की कमी से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जो सूबा है वो हड़ताल से बेहाल है। नर्सेज 3 दिन के अवकाश पर हैं और साफ चेतावनी दे दी है अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर 10 सितंबर से हड़ताल पर चली जाएंगी। यानी जो फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है वो और भी बदतर हो सकती है अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई। तो इधर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, उधर प्रशासन ने जो वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही थी वो भी नाकाम साबित हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, अब नर्सेज के अवकाश पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो गई और जो वैकल्पिक इंतजाम की बात की गई थी वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार जो सरकार और नर्सों के बीच की जो रस्साकसी है उसको जो भुगत रहा है वो है आम मरीज। और जिस तरीके से अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में जिस पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, इंडोर जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हैं, इसके अलावा जो डायलिसिस है वो प्रभावित है, अटेंड नहीं हो पा रहे हैं जितने मरीज हैं, जो भर्ती, आधे तो मरीज जो बीमार हैं वो अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और जो वहाँ पर मौजूद भी हैं उनको भी निजी अस्पतालों में जाने के लिए जाना पड़ रहा है। साफ तौर पर हड़ताली प्रदेश उत्तराखंड बन गया है। हम कहीं भी नर्सों तो मांगे हैं उससे इतर और उसको हम कहीं भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे जनता को प्रभावित नहीं होना उनको नहीं किया जाना चाहिए। जनता को प्रभावित नहीं होना चाहिए और जनता ही प्रभावित हो रही है सबके बीच। पंकज, लग रहा है कि इनकी मांगों का कोई समाधान, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कल से अवकाश पर हैं, आज भी हालात बदतर हैं, कल और बदतर होते हुए नजर आएंगे, और अगर सरकार अभी भी इनकी मांगों पर चुप बैठे तो 10 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी भी दे दी गई है। ऐसे में हालात बदतर ही होते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कोई निष्कर्ष, कोई नतीजा इस हड़ताल का, कोई समाधान? देखिए, 3 दिन की तो उन्होंने अवकाश पहले कहा है कि 9 तारीख तक उनका अवकाश चलेगा और 10 तारीख से वो हड़ताल पे चले जाएंगे।
तो और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी जिस तरीके की प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, किसी भी तरीके का उनको मदद देने के अभी स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से वो ग्रेड पे मांग रहे हैं 6600 से लगभग 7600, और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो फार्मासिस्ट हैं उनको 7600 का ग्रेड पे मिल रहा है, तो नर्सें जो ज्यादा काम करती हैं लगभग 24 घंटे का काम करती हैं उनको ये नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी भी बात वाजिब है। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो अब इसमें कहीं ना कहीं जनता को और परेशान होने वाली स्थिति बनने लग रही है। यानी लोग अभी और बेहाल होंगे पंकज? बिल्कुल बिल्कुल, और बेहाल होंगे, और 10 तारीख से जब वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे तो फिर उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो हालत खराब है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो नर्सेज हड़ताल पर है, लिहाजा राज्य के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों मरीज परेशान है। दून अस्पताल में ही मरीजों को भर्ती करने में चिकित्सक आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मरीज पहले से ही भर्ती हैं उनके हालात क्या हैं। उन्हें अस्पताल में ना इलाज मिल पा रहा है और ना ही सुविधा। हर दिन अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती तो होते थे, लेकिन अब हालात को देखते हुए सिर्फ 85 मरीजों को भर्ती किया गया है। तो ये है हड़ताल से हालात, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। अब मरीजों को भर्ती करने में डॉक्टर्स भी आनाकानी कर रहे हैं। ग्रेड पे बढ़ोतरी की मांग को लेकर नर्सेस का आंदोलन अभी भी जारी है। आज दूसरा दिन है उनके अवकाश का और मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फार्मेसिस्ट के भरोसे यहां पर जरूर इनको सुविधा देने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति खुद ही महारत हासिल ना कर पाया हो उस व्यक्ति से अगर काम लिया जाएगा दूसरे संवर्ग का तो खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ मरीज भी मौजूद है, आप यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? फार्मेसी के लड़के आ रखे, वो कभी कहीं लगाते ही वो सुई, कभी कहीं, और कल भी सुई लगाई ग्लूकोज की और इतना सारा सूजिया, और जिसे 3 बार सुई निकाली फिर 3 बार लगाई और इसको दर्द होते जा रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनके तीमारदार आ रहे हैं, खासे परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक नर्सेज के साथ कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया है जिससे ये कहा जा सके कि नर्सेज के आंदोलन समाप्त करवा पाने को लेकर सरकार गंभीर है, विभाग गंभीर है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ मैं सौरभ भाटिया, समाचार प्लस, देहरादून। उधर अहम खबर मिल रही है इस मामले से जुड़ी, अहम खबर ये कि सीएम हरीश रावत ने नर्सों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम उनकी मांगों को लेकर संजीदा हैं, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए अभी उन्हें धैर्य रखना चाहिए, हम पर विश्वास रखें नर्स, हमने अतिरिक्त पदों के लिए प्रमुख सचिव को आदेश दिए हैं। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने नर्सेज से अपील की है कि अभी धैर्य रखें नर्सेज, उनकी मांगों को लेकर संजीदा है सरकार और उन पर भरोसा रखें, इस वक्त हालात ठीक नहीं है आर्थिक रूप से उत्तराखंड के प्रदेश के, जिसके चलते इन मांगों पर फिलहाल विचार करना संभव नहीं है, धैर्य रखें, यह आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है नर्सेस को, उनसे अपील की गई है। तो प्रदेश में नर्सों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नर्सों से सरकार की मजबूरी समझाने की कोशिश की है। सीएम ने कहा है कि मैं बहनों से अपील करना चाहूंगा कि वो धैर्य बनाकर रखें और सरकार पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को लेकर बेहद संजीदा है, इस वक्त सूबे के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए प्रमुख सचिव को आदेश दिए गए हैं जिसे वो जल्द क्रियान्वित करेंगे। मैं बहनों से अपील करना चाहूँगा, जरा हमारी कठिनाई को समझें और इस समय हम कोई नई चीज़ करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि उनके कुछ एक्स्ट्रा बड़े पद सृजित करने का और ढांचा बनाने आदि के सवाल हैं, उस पर मैंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो जल्दी इसका निस्तारण करें। हम आंशिक रूप से उनकी मांगों को अभी क्रियान्वित करेंगे। उधर अल्मोड़ा की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने चिंता जताई, लापरवाह डॉक्टरों को नसीहत देते हुए विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि डॉक्टरों का पेशा सेवा का कार्य है और डॉक्टर सेवा भाव से काम करेंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। कुंजवाल ने कहा कि अल्मोड़ा के जिला बेस और महिला अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कदम तो उठाए, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपको बता दें अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य में लोगों की
मौत और अन्य नुकसान होने से नाराज संगठन और लोग अक्सर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहते हैं और इसी क्रम में रविवार की रात डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक छात्र की भी मौत हो गई थी। एक आध डॉक्टर का बीएस से ट्रांसफर हुआ है, उसको रोकने के लिए चार्ज नहीं देने के लिए जितन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर आए थे, उस दिन हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने वहीं पर टेलीफोन करके कहा था कि इनको लीव मत करें, मैं इनको रोकूंगा करके। तो अगर वो उसमें कुछ और बात करनी होगी तो उसको हम रुकवाएंगे, ये तय है। और मैं समझता हूँ जितनी पहले कमी थी डॉक्टरों की, उसमें कुछ हद तक कमी आई है, मतलब डॉक्टर कुछ पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।